हेलो फ्रेंड्स, आज का सफर है केदारनाथ का। अभी हम लोग ऋषिकेश से निकल रहे हैं। अच्छा, ये हम लोग गाड़ी ले लिए हैं यहाँ से ट्रेवल एजेंसी से, जो कि ऋषिकेश पे है। हम लोग अभी ऋषिकेश से निकल रहे हैं। अभी हम लोग पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद केदारनाथ ट्रेन देंगे। बिना रजिस्ट्रेशन के हम लोग नहीं जा सकते, ठीक है? तो चलिए, आज केदारनाथ का ट्रिप सभी और जो जानकारी है, जो क्या क्या कर सकते हैं, आपको सभी जानकारी है। और हम लोग कपड़ा सब ले लिए हैं। वहाँ पे वेदर है 4-5 डिग्री, रात को 3 डिग्री तक आ जाते हैं। तो सो कल वहाँ के शिव जी का केदारनाथ का द्वार खोल रहे हैं, इसीलिए हम लोग अभी जा रहे हैं। और बहुत सारी दर्शन यात्रा है वहाँ पे। वैसे यही पे आप लोग को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ऑफलाइन, और आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और ये यहाँ पर आपको आधार कार्ड चाहिए, कितना कितना आदमी भाई आपने। फ्रेंड्स, अभी हम लोग निकल चुके हैं, हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया है और फ्रूट्स भी ले लिए हैं खाने वाले के, चीज़ बिस्किट वगैरह, और आगे लेंगे और मेडिसिन सब सब ले लेंगे। केला वाला पकड़ लिए, केला वाला पकड़ लिए सब। ये देखिए महाराज जी बैठे हैं, लोग बने रही है मेरे वीडियो पर, और भी अच्छे से सीन आएंगे। लोग सोनप्रयाग के एंट्री नहीं मिले, क्योंकि वहाँ पे
पार्किंग फुल हो गया है, इसलिए उनके लिए हम लोग को गाड़ी रुकाना पड़ा। फिर हम लोग करके होटल बुक कर लिए हैं 4 दिन का। अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं गाड़ी पार्किंग करके। चलिए मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग रूम ले चुके हैं 4 दिन का, 5,000 रुपया। ये नया पुल खोला है मंडाकिनी रिवर रिजॉर्ट, इसलिए हम लोग को कम पे किराए हैं, मेरे तो बहुत दिक्कतरी होती है। और आप लोग जब भी आइए तब वो बुकिंग पहले बुकिंग कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग को बहुत प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, ये हम लोग का मूल रूम देखिए, कितना ज़्यादा बेड लगा है। घर का स्पेशल डिश है घोड़ा। और ये हम लोग केला लाए थे, फ्रूट लाए थे ऋषिकेश से, व्यू कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा रूम है, आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं। और ये बाथरूम बहुत ही अच्छा है। ओके, देन गुड बाय, आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर मिलते हैं। और सोनप्रयाग से केदारनाथ तक भी सही यात्रा शुरू करेंगे। ओके, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग निकले हैं सीतापुर से। अभी हम लोग को सोनप्रयाग जाने पड़ेंगे, 1.5 किलोमीटर यहाँ से। फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड लोकल टैक्सी से जाएंगे। देखिए ये सोनप्रयाग का पार्किंग है, कितना पूरा पार्किंग फुल हो चुका है। आप लोग अगर खोलने का टाइम आते हैं तो आप लोग को पहले आना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग को पार्किंग नहीं मिलेगी। देखिए पूरा पार्किंग फुल हो चुका है। और हम लोग का गाड़ी भी नीचे छोड़ के आए। देखिए फ्रेंड्स, ये सब बस के लिए रुका हुआ है, बस के लिए लाइन लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग रोड पर जा रहे हैं। ऐसा है कि शेयरिंग करके ये दो रास्ते, एक तो ऊपर गए तो नीचे के हम लोग ले आए हैं। कैसे जाना है हम लोग अभी गौरीकुंड तक जा रहे हैं। अभी सोनप्रयाग से गौरीकुंड 3 किलोमीटर पड़ता है। तो हम लोग लोकल वाला टैक्सी से ले लिए, शेयर करके जा रहे हैं। 30 रुपीज़ था ना, वो 50 रुपीज़ हो गया है। 50 रुपीज़ हो गया है फ्रेंड्स, अभी वो पर शेयर 50 रुपीज़ करते हैं पर पर्सन। అలా చేయమని 2.5 సంవత్సరాలు ఉందండి, అప్పటికే 80 ఏళ్ళు వచ్చేస్తుంది, 80 దాటేస్తుంది అయినా ఆవిడ అంత। हेलो भाई, ये गेट से आप लोग घोड़े ले सकते हैं यहाँ से, घोड़े। और यहाँ से घोड़ा को 2300 रुपया लेंगे यहाँ से घोड़े से। देखिए फ्रेंड्स, यह घोड़ा का स्थल। यहाँ से आप लोग को घोड़ा मिल जाएंगे, एक घोड़ा का 2300 ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यही से हम लोग का ट्रेकिंग शुरू होता है 19 किलोमीटर का। क्या बढ़िया पहाड़ है, टकरा जाएगा। आजा।
फ्रेंड्स अभी हम लोग चल रहे हैं पैदल, लाठी भी ले लिया सपोर्ट के लिए। ठीक है, और चढ़ते चढ़ते बहुत गर्मी आ गया। देखिए फ्रेंड्स, हेलीकॉप्टर का सर्विस चल रहा है यहाँ पे और घोड़े का भी सर्विस चल रहा है। फ्रेंड्स देखिए लोकेशन कितना अच्छा है। अभी हम लोग चल रहे हैं आगे में, और भी आपको बढ़िया बढ़िया सीनरी देखने को मिलेगा। देखिए ओ उधर जाके व्यू देखो, उधर जाके व्यू देखेंगे। वाओ क्या व्यू है भाई। फ्रेंड्स अभी हम लोग खीरा खा ले, खीरा ये क्या है भैया? गणेश जी का लीची का जो खीरा, यहाँ पे खीरा और केला मिलता है। और रास्ते पे खाने के लिए आपको मैगी मिलेगा, पराठा मिलेगा, वो भी खा सकते हैं। क्या सोच रहा है? घर के बारे में सोच रहा था, घर मैं जब भी देता हूँ सोचता ही रहता है। फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं, बारिश आ चुके हैं इसीलिए थोड़ा हम लोग इस दुकान पे रुके हुए हैं। यहाँ पे हम लोग अभी मैगी खाएंगे और जूस भी पी लिया। और जूस का नाम क्या था? ब्रश ब्रश बरस ब्रश ब्रश ओनली ब्रश नहीं है ब्रश बरस और क्या था? ब्रश कहाँ है? ब्रश ब्रश इसमें वो नहीं रखे हो ना। ब्रश का जूस पी लिया था। गिलास कितना है? गिलास हाँ एक गिलास 40 रुपया परस। और अभी भाई साहब मैगी बना रहे हैं यहाँ पे। सरकार अलाउ नहीं करती। ये देखिए अभी प्याज देंगे, प्याज नहीं चल रहे हैं। प्याज नहीं चलते हैं ओ यार, नहीं चल रहे ना प्याज लहसुन चल रहा है। हाँ तो ठीक है, अभी प्याज नहीं चलते हैं यहाँ पे, तो टमाटर से बनाएंगे। और किस से बनाएंगे? इसमें ऑयल चलेगा, थोड़ा ऑयल चलेगा और मसाले। और मसाले मसाले क्या? जीरा धनिया ये सब देंगे क्या? नहीं जीरा नहीं, ज़्यादा मसाले मत दीजिएगा। लो भाई हाँ नमक दीजिएगा। ठीक है हम लोग अभी इससे खाएंगे। यहाँ पे बारिश आ गया तो आप लोग रेनकोट लेके जरूर आइए, क्योंकि यहाँ पे बारिश होते रहते हैं, पता ही नहीं चलता कब बारिश होता है और कब धूप होता है। हम लोग ये रास्ते पे ले लिया रेनकोट और अब बैग बचा लिया। देखिए इस रास्ते से होकर ऐसे होकर फिर हम लोग को उस पहाड़ में जाना होगा फ्रेंड्स, और उसके पहाड़ के पीछे ही है केदारनाथ। तो चलिए हम लोग थोड़ा बारिश के लिए रुका हुआ है। ठीक है बड़ा बड़ा भी चल रहा है। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से शॉर्टकट मार दिए हैं, यहाँ से शॉर्टकट पड़ते हैं वो वाला। एक्चुअली घोड़ा वहाँ से जाता है इसलिए वहाँ पे खाली ढाला नहीं है, वो अच्छा है रास्ते स्लोपिंग है, लेकिन इस तरफ थोड़ा ऊंचा है। बने रहिए और देखते रहिए और आगे का सफ़र हम लोग का केदारनाथ का सफर आप लोग देखते रहिएगा। चलिए चला
बादल भी पूरा आ गए हैं ऊपर, देखिए हम लोग अभी चलाई कट्टे जा रहे हैं। जैसे जैसे ऊपर चल रहे हैं ठंड भी उतनी भी बढ़ रहा है। पूरा बर्फ है देखिए, ऊपर चली ना चाट रहा हूँ। देखिए बर्फ हो गई है, 10 फीट का बर्फ आई है, देखो धीरे बढ़ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, क्या पहाड़, ऊंची पहाड़, बादल में ढक जाएगा यार हेलीकॉप्टर। नहीं देखो ना, पहाड़ में कुछ नहीं है फिर भी बादल बन रहे हैं ना। देखिए पूरा बादल खींच चुके हैं पूरा पहाड़ में, पूरा बादल ही बादल हो गया। देखिए वहाँ बारिश भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, यहाँ कैंप भी लगा हुआ है। अभी हम लोग को 2 किलोमीटर और जाना है, पूरा बादल से गिर गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से शॉर्टकट मार रहे हैं, यहाँ से शॉर्टकट ले लिया हमने। 2-3 जो ट्रैक है वहाँ से ये शॉर्टकट ले लिए। पूरी ढलान है यहाँ पर, बिना लट्ठी का नहीं आ सकते। अभी बारिश भी गिर गए, बहुत ओले आ गए, बहुत ठंडा है भाई यहाँ पे। अभी रोटी बन रहा है, पराठे, देखिए आलू का पराठे कितना भाई, साइड हो जाएगा। खाओगे क्या? नहीं, खाली चाय पीएंगे। वहाँ पे जाए रात को, आलू पराठा का बोले 50 वहीं जाके खा लेंगे। बिस्किट कोई है? चार पार्ले जी बिस्किट ले लो भैया, एक बिस्किट होता हमको ले लो भैया। ये छोटू और लेना भैया, और दीजिए तो भैया, पीछे दे दो, पीछे बिस्किट कितने, पीछे दे दो, ये दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अभी यहाँ से शॉर्टकट मार रहे हैं, ये लेकिन नाला है, लेकिन करीब 1.5 किलोमीटर यहाँ से शॉर्ट करूँगा। देखिए व्यू, देखिए कितना अच्छा है, ऊपर में पूरा बर्फ़ गिरा है, देखिए हिमालय जैसा लग रहा है। ओ भाई तुम कहाँ गए अभी? वाह, जंगल जंगल में। वो आगे में नहीं, नहीं जा नहीं सकी। नहीं भाई, एक। ओ भाई।
हम लोग कितना ऊपर अभी आ चुके हैं। फ्रेंड्स व्यू देखिए, व्यू क्या पहाड़ है देखिए। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग अभी आ पहुँचे हैं और थोड़ी ही दूर है जैसे जैसे पहुँचे। देखिए कैसा पहाड़, बर्फीले पहाड़, कितना सुंदर स्वर्ग जैसा। वहाँ पे ही भोलेनाथ बैठा हुआ है देखिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग रात को डॉर्मेट्री पढ़ रहे हैं और अभी सुबह का नज़ारा देखिए। ओए पहाड़ देखिए, अभी हम लोग जाएंगे नहा के पूजा करने जाएंगे, तो चलिए आप लोग देखिएगा और आगे भी और भी अच्छा नजर आए। चलिए अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, अभी मंदिर के दर्शन के लिए निकलेंगे, उसके बाद हम लोग रिटर्न होंगे घर जाएंगे। देखिए हेलीकॉप्टर सर्विस चल रहा है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर का सर्विस चलता रहता है, हर 5 मिनट में एक हेलीकॉप्टर आते रहता है। देखिए ये हेलीपैड है, कहाँ हाँ हाँ वही है ना। देखिए एक ही टाइम में दो हेलीकॉप्टर का सर्विस चल रहा है। ये पिछला वाला रोड हाँ बढ़िया दे रहा, बढ़िया दे रहा। सुन ना अभी हम किधर बोले और एक आए हेलीकॉप्टर भी लेके आ सकते हैं 6600 और आने और जाने का। मंदिर ये सामने है और हेलीकॉप्टर से ज़्यादा तो नहीं है और सामने है। फ्रेंड्स देखिए कितना लाइन लगा हुआ है, बहुत लाइन है यहाँ पे, करीब 1000 से ऊपर, 2-3 हज़ार का लाइन होगा यहाँ पे। बहुत दूर है मंदिर, बहुत दूर है वो। देखिए कल वो मंदिर का गेट खुला है, आज देखिए कितना भीड़ है।
बाहर से पूजा कर ली, अंदर जाने का टाइम नहीं होगा, बहुत लाइन है। बाहर से हम लोग पंडित जी ने हम लोग आशीर्वाद दे दिए। थोड़ी देर सो जा, मैं बस दो सर। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बाहर से पूजा कर लिए हैं। ये पकड़ लो, थोड़ा दूर से आया यार। देखिए फ्रेंड्स, ओए कपिल भाई, देखिए यहाँ आप आकर पूजा करके बहुत अच्छा लगा, फीलिंग ब्लेस, कितना अच्छा है नज़ारा देखिए। और बहुत अच्छी तरह से पूजा हो गया मेरा। ये मंदिर देखिए, वहाँ देखो धूप निकला है, और ये पीछे पूरा बर्फ का किसी ने लिए। यह मंदिर देखिए भाई फ्रेंड्स, एक बार जरूर आइएगा यहाँ पर, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आने में थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन यहाँ आके मालूम चलता है कि वो तकलीफ दूर सब मिट जाता है। मुझे तो पता ही नहीं था, मेरा कुछ प्लान ही नहीं था, ऐसे चला है केदार की कृपया से। ठीक है, चलिए आज मेरा एक सपना पूरा हो गया जो यहाँ पे आना था। तो फिर अभी हम लोग लौटेंगे यहाँ से केदार मंदिर का बैक साइड का। ये जो ये पत्थर है, इसी पत्थर ने मंदिर को बचाया था। वो जो बाढ़ आया था बाढ़ के आने से, इसी मंदिर ने पत्थर ने बचाया था मंदिर को। तो मेरा एक सपना पूरा आएगा, बहुत दिन से सोच रहा था, लेकिन वो कैसे किया कैसे हुआ ये प्लानिंग मुझे पता ही नहीं। अच्छा व्यू है देखिए, ग्लेशियर्स से फटके निकला। Thank you.
फ्रेंड्स केदारनाथ का ट्रिप यही ख़त्म होता है। अभी हम लोग निकलेंगे, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और उस ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग अभी निकलते हैं। ठीक है, रहने के लिए तो बहुत मन था, पूरा दिन भर रहने के लिए मन था, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा, क्या करें, जाना पड़ेगा। मन तो है दिन भर का रहने का, फिर से अभी तक जाना पड़ेंगे, सोनप्रयाग से फिर ऋषिकेश जाना पड़ेंगे, ऋषिकेश से फिर देहरादून, देहरादून से दिल्ली, दिल्ली से फिर फ्लाइट लेके घर चला जाएंगे। ठीक है, तो कैसा लगा ये केदारनाथ का ब्लॉग आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं जितना हो सके मैं इंफॉर्मेशन और ये दे दिया है, आप लोग भी कभी आ सकेंगे, घोड़े लेके भी आ सकेंगे, और कर नहीं सके तो आप लोग हेलीकॉप्टर से भी आ सकेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, बाय बाय।